नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में 25 अप्रैल को खजरी खीरिया बाईपास के पास रजा मेटल कबाड़ खाने के गोदाम में भीषण विस्फोट हुआ था, जहां हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की बिल्डिंगों और मकान में नुकसान देखा गया था। वहीं आज नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के द्वारा कबाड़ खाने के गोदाम के बाहर बने शमीम खान के ऑफिस को तोड़ा गया, जो कि विस्फोट के बाद झज्जर हो गया था। वहीं मामले में जानकारी देते हुए नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी सागर बोरकर ने बताया कि पिछले दिनों हुए कबाड़खाने में हुए धमाके के बाद कबाड़खाने के आसपास के मकान और गोदाम जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें नगर निगम के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। उसी कड़ी में गोदाम से लगे हुए शमीम खान के ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि धमाके के बाद 2000 स्क्वायर फीट में बना ऑफिस पूरी तरीके से जर्जर हो गया था। वहीं अन्य बिल्डिंग को भी चिन्हित किया गया है, जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, ऐसे में जनहानि ना हो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग को गिराने का काम किया जा रहा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताएं। घटना स्थल है, घटना स्थल में जब बम धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था उसमें, तो इससे जो बिल्डिंग में इतना वाइब्रेशन था कि वो बिल्कुल जर्जर हो गई थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज जो निर्देशानुसार, शासन के निर्देशानुसार इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई थी और सभी मशीनें लगी है और इसे आज पूरी तरह से डिमोलिश किया गया। बाजू वाली बिल्डिंग का भी टूटा जाएगा क्या? हाँ, इसमें भी देख सकते हैं आप, क्रैक हैं। जैसे ही निर्देश मिलेंगे हमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कितनी जगह है ये जिसमें के लिए जो अभी तोड़ा गया है जी? ये लगभग अभी 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है। जैसा आप सभी को जानकारी है कि 25 तारीख को जो विस्फोट हुआ था उसकी धमक बहुत ज़्यादा थी, उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, तो ये एकदम ही नज़दीक की बिल्डिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलेपिडेटेड या जिसको जर्जर कहा जाता है उस स्थिति में आ गई थी, जिसकी जांच कल PWD और नगर निगम के भवन शाखा के अधिकारियों द्वारा करवाई गई। और क्योंकि ये डेंजरस टू लाइफ पाया गया है, इसीलिए आज प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम द्वारा इसको डिमोलिश किया गया है। किनकी बिल्डिंग है? ये जो प्रॉपराइटर हैं, जहाँ पे जिनके क्षेत्र में विस्फोट हुआ है उन्हीं के नाम से है ये ऑफिस। कितने एरिया में ये बिल्डिंग? इसके बारे में मेरे रेवेन्यू ऑफिसर्स आपको बेटर जानकारी दे पाएंगे। दोनों ही अलग विषय हैं। जो पूर्व में कार्रवाइयाँ की गई हैं वो अतिक्रमण या जो लेआउट, जो सैंक्शन लेआउट होता है उससे अलग हटके अवैध निर्माण हुआ है उसको हटाया गया है, और ये विस्फोट के बाद जो बिल्डिंग जर्जर हो गई है और क्योंकि वो डेंजरस टू लाइफ थी इसलिए उसे हटाया गया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।